टू माई स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब भी आपसे कोई समय पूछता है तो जो भी समय उस समय हो रहा होता है आप बता देते हैं, जैसे कि क्या समय हुआ है, 3:15 बजे हैं, समय क्या हो रहा है, 7:30 बजे हैं। बट यदि कोई आपसे पूछ ले व्हाट्स द टाइम ना, या फिर एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट, तो आप भी इसका रिप्लाई इंग्लिश में देना प्रेफर करेंगे। एम आई राइट? ऑफ कोर्स आई एम राइट। और इसी तरह की और सेंटेंस, जैसे कि इस वक्त 3:10 हुए हैं, मैं घर 4:15 बजे पहुंचता हूं। इसी से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप डेली बोलते हैं, यही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस तरीके के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होता है तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे और बोल पाएंगे और आप भी रिप्लाई इंग्लिश में दे पाएंगे। तो बिना डिले करें चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमेशा बोलते हैं 10:25 हुआ है, 3:45 है, इट मीन्स मिनटों का खेल है। तो हम पहले 1 मिनट से 30 मिनट की कहानी, मतलब 1 मिनट से 30 मिनट का ड्यूरेशन पहले जानेंगे। आप सभी को पता है 60 मिनट बराबर 1 आवर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं एच को प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये साइलेंट होता है, तो आप आवर पढ़िएगा। 60 मिनट बराबर 1 आवर। 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, आधा इसलिए इंग्लिश में इसको हाफ लिखेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो। और 60 मिनट का 1/4 पार्ट मतलब कि चतुर्थांश, तो इसे हम इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं, राइट? इसका चतुर्थांश मतलब क्वार्टर्स। तो 15 मिनट को हम आ क्वार्टर्स लिखेंगे और 30 मिनट को हाफ लिखेंगे। यहाँ 1 मिनट से 30 मिनट की कहानी के लिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए गिवाले स्ट्रक्चर, आप इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं, फॉलो करेंगे। पहले हम मिनट लिखेंगे, फिर पास्ट, आप पास्ट का हिंदी मीनिंग पूछेंगे तो बचकर होता है, फिर आवर लिखेंगे। जैसे 10 बजे हैं तो 10:00, आप इसे ओ अल्फाबेट वाला ओ साउंड कीजिएगा क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप जीरो मत रीड कीजिएगा। 10:00 अल्फाबेट ओ वाला, इंग्लिश अल्फाबेट का 10:00। 10 बजे हैं, 10:05 इसे 10:05 में आप देख पा रहे हैं कि मिनट पहले लिखेंगे तो 5 पहले लिखा, पास्ट बजकर तो पास्ट, और जो आवर है 10 जो कि 10 लिखेंगे तो 5:10। 10:10 हुए हैं, 10:10 हुए हैं तो सबसे पहले मिनट लिखेंगे तो 10 बजकर के लिए पास्ट और आवर 10 है तो 10:10। 10:15 हुए हैं, आप जानते हैं कि 10:15 हुए हैं, इसे हम हिंदी में 10:15 भी बोलते हैं, राइट? तो अब 15 मिनट को हम क्वार्टर, अभी हमने पढ़ा तो आप 10:15 कहेंगे। 10:20 तो 10:20 में पहले हम मिनट लिखते हैं तो पहले 20 लिखेंगे, फिर पास्ट बजकर, फिर 10 जो आवर है। 10:25 में 25:10। 10:30 मतलब कि 10:30 जो कि 30:60 का हाफ होता है, जो कि इसलिए हम 10:30। अब हम कहानी मतलब टाइम ड्यूरेशन 31 से 59 का बीच का करें क्योंकि 51 से 1 मिनट ज़्यादा हो गया तो दूसरा आवर स्टार्ट हो जाता है और 30 से एक ज़्यादा 31, इनके इनके बीच में जो मिनट होते हैं इसे कैसे बोलते हैं, इसके लिए ये वाले स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। पहले हम मिनट्स को लिखेंगे, रिमाइंडर जो बचा हुआ रहता है प्लस 2 का हिंदी मीनिंग पूछेंगे तो बजने में, आवर जो नेक्स्ट समय होता है। एग्जाम्पल देखिए, 10:35 हुए हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं 11:25 शेष है। कितना मिनट शेष है? 25 मिनट शेष है। तो यही हमने जो मिनट जो लिखेंगे रिमाइंडर, तो यहाँ पे 25 2 बजने में
कितने बजने में, कौन सा आवर्स बढ़ने में, तो यहाँ पे 11 बजने में, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, तो 25 to 11। 10:40 को हम हिंदी में पढ़ते हैं 11:20 शेष है, कितना मिनट, 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे टू 11। 10:45 हुआ है, इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं 11:15 शेष है, कितने मिनट, 15 मिनट, 15 को क्वार्टर्स कहते हैं, इसलिए आ क्वार्टर टू 11 लिखा है, इसे हम हिंदी में एक और 11:15 भी कहते हैं। 10:50 11:10 शेष है, तो यहाँ पे 10 आएगा रिमाइंडर, जितना मिनट बचा होता है टू 11। 10:55 हुए हैं, 11:05 शेष है, 5 to 11, 11:11। अब इस तरीके के सेंटेंस आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी पूछता है आप समय देख के बता पाएंगे, राइट। व्हाट्स द टाइम नाउ, जैसे इसमें लिखा है 3:15। एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट, 7:30। इस वक्त 3:10 हुए हैं, 3:10, इट्स 3:10 नाउ, मुझे 4:20 पहले जाना है, आई हैव टू लीव इट 4:20, मैं घर 4:15 पहुंचता हूँ, आई रीच होम इट 4:15। आप इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे, आई होप। आप जब भी इस वीडियो को देखें, जो भी समय हो रहा है वह कमेंट करके लिखें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हुआ।